हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले सेव टमाटर की सब्जी। उसके लिए हमें चाहिए दो मीडियम टमाटर चॉप किए हुए, दो मीडियम टमाटर रफली चॉप किए हुए, उसमें हमने थोड़ा सा गार्लिक रख दिया है ऊपर। इन दोनों चीज़ों की हमें अच्छे से प्यूरी बना लेनी है। थोड़ी सी सेव, गरम मसाला, आधा स्पून चीनी, हींग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और घर के रूटीन मसाले। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई ऐड करेंगे। राई स्प्लटर होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और जो हमने लहसुन और टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डाल देंगे। गार्लिक सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी ऐड करनी है। अब इस प्यूरी को हम अच्छे से चला लेंगे ताकि ये पक जाए। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम इसमें चॉप्ड किए हुए दो टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज़ के या छोटे भी ले सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी चीनी भी डाल देंगे। चीनी डालने से इसका कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी खट्टा मीठा आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। पकने के बाद आप देख सकते हो इसमें से ऑयल रिलीज हो गया है। अभी इस टाइम पर हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। सब्जी में जो हमने चॉप किए हुए टमाटर डाले थे उसको चेक कर लेंगे, वो अच्छे से सॉफ्ट और मूशी हो गए। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी आपको आधा ग्लास ही डालना है। अब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब तक वेट करना है। उबाल आ गया है, अभी इसमें हम सेव डालेंगे। सेव डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आप चाहे तो इससे थोड़ी पतली सेव आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसे डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसको ढककर 2 मिनट पका सकते हैं, जिससे कि सेव एकदम सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप चाहे तो फ्लेम ऑफ करके भी कवर कर सकते हैं। देखिए सब्जी बन के तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। इस सब्जी को हम जीरा पराठा, पालक पराठा या रेगुलर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।